नौकरी से छेड़छाड़ के आरोप में एडीएम को रानीखेत गिरफ्तार कोतवाली लाया गया है। वहीं सूचना मिलने पर युवा कोतवाली के धमके और उस पर सख्त कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि पुलिस ने वहीं कुर्सी में बैठाया तो युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। युवाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौजूद पुलिस अधिकारी से सवाल किया। इधर मीडिया से बातचीत में सीओ पुलिस ने आरोपी पर लगी धाराओं के छेड़छाड़ से इनकार किया है। तीन तारीख को राजस्व क्षेत्र है ये गोविंदपुर तारा मंडल, तो इसमें मुकदमा अपराध संख्या लिखाया गया है पीड़िता द्वारा 3/2022। मुकदमा जो लिखाया गया था धारा 354 और इसमें 66 आईटी एक्ट और पोक्सो एक्ट, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है तो उसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, तो इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया था। मामले का क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था तो इसमें आईटी एक्ट भी लगा हुआ, और आईटी एक्ट का ये प्रावधान है कि एक इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन